ಸೂರ್ಯ ಉಭರ ಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರೋ ಉಭೋಚಲೋ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಉಭರ ಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರೋ ಉಭೋಚಲೋ ಉಭೋಚಲೋ ಕಲಿಯುಗ ಕೆ ಇಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಕಾ ಹೈ ಅಂತ ನಿಕಟ ಆಯಾ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಇನ್ ಯುಗೋ ಯುಗೋ ಕಾ ಅಬ ಸಮೀಪ ಆಯಾ ಸಾಧನಾ ಕೆ ಮಹಾಪರ್ವ ಕೋ ಸಾಥ ಹೈ ಲಾಯಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಉಭರ ಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರೋ ಉಠೋ ಚಲೋ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಉಭರ ಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರೋ ಉಠೋ ಚಲೋ ಮೇರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕೆ ಅಂದರ್ ಏಕ ವನವಾಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೈ ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ जो कि 99% कृषक वर्ग है और उसमें से भी 90% वनवासी लोग हैं। जब 1993 के अंदर मैंने वहां पर जब काम शुरू किया था, पूरे जिले के अंदर हमारे पास एक भी वनवासी कार्यकर्ता नहीं था, पूरे जिले के अंदर एक भी वनवासी गांव के अंदर हमारा संपर्क नहीं था। और काम की दृष्टि से पूरा जिला था जहां पर ईसाई धर्मांतरण का काम बड़ी तेज गति से चल रहा था। ईसाई धर्मांतरण रुकना चाहिए ऐसे संकल्प को लेकर मैं उस कार्य क्षेत्र के अंदर गया था। लेकिन मित्रों, जैसे जैसे मैंने गांव के अंदर प्रवेश किया तो ध्यान में आया कि वनवासियों के अंदर धर्मांतरण होता है, हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा एक बड़ी बात मैंने देखी कि वहां पर इस्लामिक गतिविधियां सबसे अधिक चल रही, जबकि वहां पर मुसलमान केवल 7% हैं, लेकिन पूरे 100% वनवासी गांवों को वो प्रभावित कर रहे हैं। उनकी वो जो मजार चला रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, जो उनके वहां पर वो ब्याज का जो धंधा करते हैं, जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो सब के सब उन मुसलमानों के कब्जे में थी। और उसी का ये परिणाम था कि प्रतिवर्ष एक ही जिले के अंदर हजारों हिंदू लड़कियां मुसलमान अपने घरों पर ले जाते थे, हजारों की तादाद पर गायें कटती थी, हजारों की तादाद पर हिंदू अपमानित होता रहता था, गांव गांव में अपमानित होता था। मुसलमान किस प्रकार से अपमानित करता है इसकी अनुभूति हम सब लोगों को है, वो सब कुछ उन गांव के अंदर हो रहा था। क्या किया जाए? पूर्व में जिन लोगों ने काम किया उनका अनुभव था कि वहां सेवाकारी चलाइए, वहां आश्रम चलाइए, वहां एकल विद्यालय चलाइए, पर मित्रों ध्यान में आया कि ऐसा करते करते तो शायद ये 50-60 साल निकल गए और 10-20 साल चलाया तो ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन जब उनके बीच के अंदर ईश्वरीय कृपा से धर्म जागरण का काम प्रारंभ किया और धर्म जागरण के माध्यम से उन वनवासी क्षेत्रों के अंदर कावड़ यात्रा, गणेश उत्सव, संतों के प्रवास, उनके प्रवचनों के कार्यक्रम रखे, धीरे धीरे करते हुए 8 साल के अंदर 1334 गांवों के अंदर एक धर्म रक्षा समिति का गठन किया और उन धर्म रक्षा समितियों को कुछ न कुछ ऐसे मासिक और वार्षिक कार्यक्रम दिए और उन कार्यक्रमों के कारण धीरे धीरे उनके अंदर जिस प्रकार का धर्म का, अध्यात्म का, साधु संतों के सत्संग का, प्रवचनों का असर आने लगा और धीरे धीरे जैसे जैसे उनके मन के अंदर स्वाभिमान जगने लगा, पूरे जिले के अंदर एक अद्भुत हिंदुत्व का वातावरण तैयार हुआ और उन वनवासियों को अपने स्वाभिमान का जब भान हुआ तो फिर जो हिंदू लड़कियां जो जाती थी, जो वनवासी लड़कियां उनके बीच में चले आती थी और कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्होंने उन हिंदू लड़कियां जो चली गई उनको वापस लाने का काम शुरू किया। ये करते हुए लगातार 8 साल के बाद एक बहुत अच्छा चित्र हमारे सामने खड़ा हुआ कि धर्म जागरण के माध्यम से वनवासी क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम हो सकता है। हम लोग बड़े अभिभूत थे, लेकिन इस सबका व्रत निवेदन शिषाद्री जी के सामने किया तो उन्होंने कहा काम तो बहुत कुछ अच्छा किया लेकिन कुछ और करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? तो बोले इसके लिए तुम असीमानंद जी के साथ बैठो। और मित्रों, ईश्वरीय योग से पूजनीय असीमानंद जी हम सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और उन्होंने के सामने बड़ा गौरवान्वित होकर, अहंकार होकर हम लोगों ने अपना व्रत निवेदन किया कि वनवासी क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया, बड़ा बोलबाला हो गया उस काम का, बड़ी स्तुति गान होती थी, हमको भी बड़ा मान होने लगा था। लेकिन उन्होंने हमारे सामने 5 प्रश्न खड़े किए और ऐसा फूला हुआ कोई गुब्बारा रहता है और कोई उसके अंदर पिन डाल के कैसा फट हो जाता है, वो असीमानंद जी ने किया और उन्होंने कहा भैया ये काम तो कुछ भी नहीं है, वास्तव में काम क्या करने की आवश्यकता है? तुम कावड़ यात्रा निकाल रहे हो, गणेश उत्सव कर रहे हो, तुम ये सब कुछ करके करना क्या चाहते हो? तो तुम हिंदू को केवल हिंदू बना रहे हो, लेकिन हिंदू को हिंदू बनाने से कुछ होने वाला है क्या? तुमने जो ताकत खड़ी की है इस ताकत के आधार पर सामाजिक परिवर्तन कितना दिख रहा है? तुम कावड़ यात्रा, गणेश उत्सव, भागवत कथा, साधु संतों को ले जा रहे हो और ईसाई धर्मांतरण चल रहा है, दरगाहों पर जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदू लड़कियां जा रही है, मंदिरों के अंदर जाने वालों की संख्या कम है, क्या कारण है इसका? तो हिंदू को हिंदू नहीं बनाना है बल्कि हिंदू को कट्टर हिंदू बनाना है।
और वो कट्टर हिंदू जब तक हम नहीं बनाएंगे तो हमारे इन सब कामों का कोई लाभ नहीं होगा। और इसलिए मित्रों असीमानंद जी के उन 5 सूत्रों के आधार पर वहां यात्रा शुरू की और उसी का यह परिणाम था कि वहां पर 143 दरगाहें थी और इनमें से 80 दरगाहें ऐसी थी कि जहां पर एक भी मुसलमान नहीं था, लेकिन वो जादू टोना उर्स सब प्रकार के काम वहां वनवासी क्षेत्रों में करते थे। वनवासियों को गाय काटकर खाने की उन्होंने आदत लगाई थी, गौ हत्या वनवासी हिंदू वनवासी करते थे। राम राम कहते थे लेकिन राम और हनुमान कौन है इसकी कल्पना और उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन असीमानंद जी की प्रेरणा से जब काम शुरू किया 3.5 लाख घरों के अंदर देवालयों की स्थापना की, हनुमान जी के मंदिर स्थापित किए और इस महाअधिवेशन के बाद ये जो यात्रा हमने शुरू की है ये एक बड़ा वटवृक्ष बने, ऐसी परमात्मा के श्री चरणों में मेरी विनंती है। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो उठो चलो।